हाय दोस्तों, वेलकम है आपका अपने ही चैनल टेक्निकल व्यू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किसी भी MP3 सॉन्ग का या नात या तकरीर या किसी भी कोई भी चीज़ जो MP3 में है आप उसका टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं, प्लस आप उसमें जो फ़ोटो है उसको हटा सकते हैं और अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप उसमें अपना नंबर डाल दें, लोग आपसे कॉन्टेक्ट करें, आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन आप इसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आपको फ़ोटो लगाना है, टाइटल चेंज करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पर यहाँ से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन लोड करना है, वो एप्लीकेशन है ये एडियो MP3 एडिटर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप वहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। तो बहुत ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको सिंपली फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन बता रहा हूं, टाइटल चेंज करने का ऑप्शन आपको बता रहा हूं, बाकी आप उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं टैग एडिटर, यहां पे लिखा हुआ है आपको इसको ओके करना है। उसके बाद जितने भी आपके फ़ोन में ऑडियो फाइल्स होंगी, सॉन्ग्स होंगे या नात होगी या तकरीर या जो कुछ भी आप MP3 में आपके फ़ोन में है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर लिस्ट नहीं आ रही है, बहुत ही आपके फ़ोन में ज़्यादा सॉन्ग्स हैं या ज़्यादा और चीज़ें हैं ऑडियो में, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे फ़ोन में ये एक ही सॉन्ग्स हैं, वो भी आपके लिए है, एग्जांपल के लिए मैंने इसको लोड किया है। आप सिंपली इसको ओके कीजिए, तो आप देख सकते हैं ये ओके करने के बाद यहाँ पर टाइटल, आर्टिस्ट, एल्बम सब यहाँ पे आ चुका है। तो आपको करना है क्या, सिंपली आपको टाइटल यहाँ से चेंज करना है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल यू, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ टेक्निकल यू। आर्टिस्ट में भी मैं यही डाल देता हूँ टेक्निकल यू। तो फ्रेंड्स, अब ये जो भी शो करेगा, यहाँ जहाँ भी शो करेगा तो इसी नाम से ही शो होगा। अब मैं आपको दिखा दूँ फ़ोटो आपको कैसे चेंज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी वहाँ पे फ़ोटो होती है, तो आप यहाँ पे वो फ़ोटो भी तो यहाँ पे शो करेगी कौन सी फ़ोटो है, कैसी फ़ोटो है। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप जो फ़ोटो पहले से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से आप यहाँ पर आपको ओके करना है। जो गैलरी का जो साइन बना हुआ है आपको इस पर ओके करना है। जब आप इस पर ओके करेंगे ऐसे, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे फ़ोटो लेने के लिए। आप जहाँ से भी आप फ़ोटो लें उस पर ओके कीजिए आप। फिलहाल मैं ये वाली फ़ोटो उठा लेता हूँ। ये मैंने टेक्निकल व्यू लिखी हुई फ़ोटो मैंने उठा ली है वहाँ से। तो सिंपली आपको बाद में करना क्या है, सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप एक बार चेक करेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ ओके है, सही है। एक बार फ़ोटो चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो उठाई है, टेक्निकल व्यू लिखा हुआ था उस फ़ोटो में, वो फ़ोटो मैंने उठा ली यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो आ चुकी है। सिंपली आपको बाद में लास्ट में एक बार चेक करने के बाद जो आपने चेंजेस किए हैं वो ठीक है या नहीं, उसके बाद आपको ओके करना है सेव पे। जैसे आप सेव पे ओके करेंगे तो ये आपने देखा कुछ देर का प्रोसेस हुआ, 100% होने के बाद ये आप देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप प्ले करेंगे, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल व्यू लिखा हुआ है, फोटो में भी टेक्निकल व्यू लिखा हुआ है। अब हम वहाँ जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है फाइल मैनेजर में। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है आपकी नॉलेज के लिए, और ये तो एक एग्जांपल था। अगर आप चाहते हैं कि आप फेमस हो, आपका नंबर फेमस हो, आपको कोई काम है,
कुछ आप काम करते हैं या जो भी आपको फेमस करना हो, आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं अपनी फ़ोटो के साथ, या लिख सकते हैं आप फ़ोटो में कि आप फला काम करते हैं, आप ये काम करते हैं और यह हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट कीजिए। ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, अब मैं फाइल मैनेजर में दिखा दूँ आपको क्या शो हो रहा है। तो एमएक्स में ये सारे सब कुछ फाइल आ जाती है, तो ये सब चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं एक फोल्डर नया बना हुआ है यहाँ पे, मेटा डाटा चेंजेड। आपको इसी को ओके करना है। आप देख सकते हैं टेक्निकल व्यू के नाम से टाइटल है, इस पर आप ओके करेंगे। आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।